वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ईएमआई दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या स्टडी किया था बेटे, उसमें हमने स्टडी किया था कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस देन करंट विल इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। कि कब जब भी कभी किसी कॉइल का लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी कॉइल का लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर अगर करंट इंड्यूस होगा तो वो किस डायरेक्शन में कैसे इंड्यूस होगा, उसके अंदर इंड्यूस होने वाले करंट के डायरेक्शन हम कैसे पता कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। ठीक है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। अब जैसे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में देखा था तो अपनी फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती थी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसमें भी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में भी फर्स्ट फिंगर अपनी किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कि जो अपना कंडक्टर है, जो क्वाइल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड जो मिडिल फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। चलो एक केस हम यहाँ पे कर भी लेते हैं कि जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल हमने मान ली, इसकी जो मूव करने की डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ठीक है, ये कॉइल ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे मैंने ये मान लिया ये कॉइल है। ठीक, ये कॉइल ऐसे मूव करेगी, यूं मूव कर रही है, तो मुझे इस कॉइल के इस एंड में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी, तो इसके इस एंड में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको बताना है। कैसे करेंगे, ये अपना राइट हैंड लेगी, ध्यान रहे इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट की जगह लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, तो सारा गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखोगे कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स वाला केस अगर आता है तो डायरेक्शन इसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड को, और अगर आपका था टॉर्क एक्सपीरियंस वाला केस जो था इलेक्ट्रिक मोटर में हमने यूज किया था, उसमें क्या आएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, हमारी जो फर्स्ट फिंगर थी वो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग सेट कर दी, जो थंब था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो मोशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने ये कर दिया कि इसके ऊपर फोर्स लग के ये ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, अब ये जो मिडिल फिंगर बच गई, इसकी डायरेक्शन किधर आई है, डाउनवर्ड, तो इस पार्टिकुलर एंड के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो यहां से इस तरफ जाता होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, बहुत जगह पे आपको ये अप्लाई कर करके देखना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल पर काम करता हुआ हम नेक्स्ट, मतलब इस जो हमने रूल पढ़ा है इसका यूज होगा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेटे जैसे अपना इलेक्ट्रिक मोटर हमने स्टडी किया था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर भी जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए इन केस ऑफ HBSC बोर्ड, बट इन केस ऑफ CBSE बोर्ड टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है बट ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स में ना आके पार्ट्स में आता है ये क्वेश्चन वहां पे। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, कैसे, जैसे हमने उसमें किया था इलेक्ट्रिक जनरेटर, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट। इलेक्ट्रिक जनरेटर में सबसे पहले, उसमें भी जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिया था, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें भी क्या बनाएंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक कैसा वर्ड है,
फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसका जो नाम है वो मिसनोमर क्यों है, मींस गलतफहमी क्रिएट करने वाला शब्द क्यों है ये, इसका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो जनरेटर नाम रखा गया है ये मिसनोमर वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, क्योंकि क्योंकि ये जो जनरेटर है इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये कोई भी चीज एनर्जी उसको जनरेट नहीं करता, आफ्टर ऑल ये जनरेट नहीं करके बट एक काइंड ऑफ एनर्जी को दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो जनरेटर वर्ड है इसके लिए मिसनोमर वर्ड क्यों यूज किया गया है, तो आप लोग बताओगे कि जनरेटर का जो मीनिंग होता है वो होता है टू प्रोड्यूस, जबकि जनरेटर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये क्या करता है इलेक्ट्रिक जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, जो अपनी मोटर थी वो क्या करती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती थी, जनरेटर इससे उल्टा होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट, तो इंट्रोडक्शन में करते हैं, चलते हैं। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कैसा डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहीं पर जो अपनी मोटर हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी उसमें क्या था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती थी, जबकि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपके माइंड में, ताकि इसकी पिक्चर क्लियर हो जाए, थोड़ा सा आइडिया मैं अगर आपको दूं, तो जैसे ये अपने डैम होते हैं, बाकड़ा डैम आपने देखा होगा, तो जितने भी अपने डैम है, बांध है, वहां पर वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और फिर उस वाटर को जब टर्बाइन के फैन पर डाला जाता है तो टर्बाइन की जो मोटर शाफ्ट है वो तेज स्पीड से ऐसे रोटेट करना शुरू कर देती है, तो जब उस टर्बाइन की शाफ्ट है, टर्बाइन के ब्लेड रोटेट करेंगे तो टर्बाइन की शाफ्ट रोटेट होगी, तो टर्बाइन की शाफ्ट जब तेज स्पीड से रोटेट करती है उस टाइम पर उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। अब उस टर्बाइन की शाफ्ट को जब हम जनरेटर से जोड़ देते हैं तो उस टाइम पर जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को, इस रोटेशनल एनर्जी जो है अपने पास, ये मैकेनिकल एनर्जी है, इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट, तो इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखोगे इसका प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप लिखोगे व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, कॉइल चेंजेस, देन करंट विल इंड्यूस इन दैट कॉइल, then current will induce in that coil। ठीक है, तो सबसे पहले आप introduction लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे principle, उसके बाद आते हैं construction पर, third point construction, और fourth point पर आप लिखोगे diagram। तो मैं यहाँ पे construction और diagram दोनों parallel ही करूँगी, construction का part बोलते जाऊँगी और diagrammatically उसको step by step बनाते चले जाएंगे, ताकि आपके दोनों जो point है वो side by side clear होते चले। तो construction में, बल्कि diagram को हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्योंकि construction के आपको different parts इसके बताने पड़ेंगे। construction में आप पहला part बताओगे armature। ये armature क्या होती है मित्रा, हमने last time भी study किया था, एक soft iron core होती है, जैसे हमने cylinder सा ले लिया, एक soft iron cylinder ले लिया, उसके ऊपर copper की insulated wire की winding करते हैं, इस तरह से अगर इसके ऊपर आप copper की तार को लपेट दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी अपने पास, एक armature बन जाएगी। तो rectangular coil ABCD, ये इस तरह से, ठीक है, ए बी सी डी,
आर्मेचर क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स की जो वाइंडिंग हम करते हैं वो क्या कहलाती है, आर्मेचर कहलाती है, राइट। उसके बाद आप बताओगे स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होते हैं बेटे, स्प्लिट रिंग होते हैं ये मेटल के रिंग होते हैं जिसके अंदर ये आर्मेचर के जो एंड है वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। मेटल के जो रिंग है पूरा अपना ये सिस्टम कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग यूज करेंगे, S1 स्प्लिट रिंग एंड S2 स्प्लिट रिंग। ये जो यहाँ से जो दूसरा एंड आया है ये इसके अंदर से जरूर पास होगा, पहले स्प्लिट रिंग के अंदर से पास होगा लेकिन इसके कहीं पर भी टच नहीं होगा, ये इसके अंदर से पास हो रहा है और दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा ये। अब ये जो तार है यहाँ पे ये तार, ये जो यहाँ से ये तार आई है, ये वायर इस स्प्लिट रिंग के साथ कॉन्टेक्ट बनाए रखे, मीन्स ये बिल्कुल इस तरह से इसके साथ टच होके रोटेट करे, यू रोटेट हो इसके बिल्कुल टच बना के। इसके लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं ब्रश, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश 1 एंड कार्बन ब्रश 2, ये ठीक है, कार्बन ब्रश 1 एंड कार्बन ब्रश 2, थर्ड नंबर पे आ गए अपने कार्बन ब्रश। सो कार्बन ब्रश हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कार्बन ब्रश हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि पूरे सर्किट के अंदर अपना सर्किट क्लोज रहे, इस जो वायर है आर्मेचर कॉइल के जो एंड है इनका स्प्लिट रिंग के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहे, कहीं पर भी अपना सर्किट ब्रेक ना हो सके, ये बिल्कुल डायरेक्ट इनके कॉन्टेक्ट में रहे, इसलिए यहाँ से इसको प्रेशर लगाए रखते हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये इसके बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे। फोर्थ नंबर पर आप इसको एक्सप्लेन करोगे क्या, पहले चलो मैग्नेट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वर्ड यूज कर लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो यहाँ पे हम अपनी मैग्नेट को दिखाएंगे, ये इस तरह से नॉर्थ साउथ, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर बैटरी तो इसमें हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान रहे बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें आप यहाँ पे बैटरी दिखाओगे लेकिन जनरेटर में बैटरी नहीं दिखाओगे। जनरेटर और बैटरी का मोटर का जो डायग्राम्स में मेन डिफरेंस है वो यही है, मोटर के डायग्राम में आपको बैटरी यहाँ पे दिखानी होती है, क्यों, क्योंकि इस बैटरी से आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि जनरेटर तो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको खुद देगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक टर्बाइन की शाफ्ट या टर्बाइन फैन दिखा सकते हो, टर्बाइन फैन मीन्स क्या करेगा, टर्बाइन फैन क्या करके दिखाएगा, यहाँ से ये अपने पास एक कॉइल है मान लेते हैं और ये इसके पीछे ये टर्बाइन की शाफ्ट है, अगर ये शाफ्ट ये पीछे जो दिखा रखे ये अगर ये रोटेट होगी इस तरह से तो उसके साथ साथ ये क्या करेगा, इसको भी रोटेट करवाएगा। तो ये हम जो टर्बाइन का फैन लगाते हैं यहाँ पे ये किस लिए लगाते हैं, ताकि ये अपनी कॉइल क्या करे, रोटेट करना शुरू कर दे, इसलिए लगाई जाती है ये। अभी इसके पास रोटेशनल एनर्जी है, मीन्स कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब ये जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को, ये मतलब इसके पास जो रोटेशनल एनर्जी है इस मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करके देगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आप लोड रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी है से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी प्रोड्यूस करवाई है वो कहां पर भी आप खर्च कर सकते हो, वॉशिंग मशीन लगा सकते हो आप यहाँ पे, अपना बल्ब लगा सकते हो, कोई फैन लगा सकते हो, कोई अदर एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो अपना, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, क्या लगा दिया ये हमने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम बन गया साइड बाय साइड किसका, जनरेटर का, और यहाँ से हमने पैरेलली इसकी क्या कर ली है, कंस्ट्रक्शन कर ली है और आपने क्या बना दिया, इसका डायग्राम बना दिया। फोर्थ नंबर पर आप लगा दोगे क्या, डायग्राम। जब आप इसको कॉपी में सोल्व करेंगे तो आप लिखोगे, पहले कंस्ट्रक्शन बताओगे आर्मेचर के बारे में 2-3 लाइन,
स्प्लिटिंग की एक लाइन, कार्बन ब्रश की स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की, इनकी एक एक दो दो लाइनें लिख के उसके बाद आप हेडिंग बनाओगे डायग्राम और उसके नीचे आपने डायग्राम बनाना है ये फिर, ठीक है। और फिर फिफ्थ नंबर पर आप एक्सप्लेन करोगे क्या वर्किंग, फिफ्थ नंबर पर आप एक्सप्लेन करोगे इसकी वर्किंग को। तो वर्किंग में क्या बताओगे, वर्किंग में आप बताओगे क्या हमने क्या पढ़ा था अभी तक, इसकी प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस देन करंट विल इंड्यूस दैट कॉइल। ये पढ़ा था हमने कि जब भी किसी कॉइल का लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब उसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, ये बात हमने सीखी थी, प्रिंसिपल इसका ये रहा। तो अब देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, मान लेते हैं ये यहाँ से नॉर्थ एंड है एक मैग्नेट का और इस साइड क्या है साउथ एंड है एक मैग्नेट का। शुरू में ये कॉइल इस तरह से रखी थी, अब जैसे ही मैं इसको क्या करती हूँ ऐसे रोटेट करती हूँ, इसको मैंने क्या करना शुरू कर दिया रोटेट करना शुरू कर दिया। अब रोटेट करूंगी अगर तो इस मैग्नेट की कांटेक्ट में पहले तो ये पूरा इतना सा एरिया आ रहा था, अब इसको ऐसे कर दिया तो इसका कम एरिया आ पा रहा है कांटेक्ट में, तो पहले तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, अब क्या हो गया कम हो गया, फिर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम, तो इस रोटेशन की वजह से इसका क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाता है। और आपने स्टडी किया था क्या फाई क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, किस क्या फॉर्मूला था इसका बी ए कोस थीटा। और आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि ये अगर अपनी कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक एरिया वेक्टर ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर ये है। शुरू में इस तरह से थी अपनी पोजीशन ये, अब जैसे ही ये ऐसे रोटेट हो जाएगी, अगर रोटेट हो जाएगी ये तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर क्या आ गया पीछे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, और जब ये ऐसे हो जाएगी तो मैग्नेटिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी ये आ गया, तो अब तो एंगल जीरो आ गया, और जब ये ऐसे हो रही है तो एंगल कितना आ गया 90 का, और जब ये इस तरह से आ जाएगी तो एंगल कितना हो गया 180 का। इस चोक के बीच में और इस हैंड के बीच में आप एंगल देखोगे, जब ये ऐसे है तो एंगल कितना है, स्टार्टिंग के केस में जब हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है ये इस कॉइल का एरिया वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का, और जब ये ऐसे रोटेट होके आ जाएगी तो एंगल कितना बन गया 180 का, फिर से ये एंगल, और जब ये इस तरह से चल जाएगी तो एंगल जीरो। तो बार बार इसका एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, एंगल अगर चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फाई अगर चेंज होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा करंट इंड्यूस हो जाएगा, यही तो हमने पढ़ा था ऊपर कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर क्या हो गया करंट इंड्यूस हो गया। कॉइल के अंदर अगर करंट इंड्यूस हुआ है तो अब आपको ये बताना है कि इस ए बी एंड में आर्मेचर की ये जो ए बी वाली साइड है इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ए से बी की तरफ करंट जाएगा या बी से ए की तरफ करंट जाएगा, मीन्स करंट को हम ये वाला करंट दिखाएं इसमें या फिर इस तरह से दिखाएं, कौन सी डायरेक्शन दिखाएं, इसके लिए आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल स्टडी किया था, सीखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे। हमने मान लिया ये जो कॉइल है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, ठीक इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, मीन्स ये कॉइल है अब ये कैसे जा रही है ऐसे जा रही है, मीन्स इसके ये वाला एंड किधर गया अंदर की तरफ गया इनवर्ड गया है, इनवर्ट गया है, तो फ्लेमिंग का राइट एंड रूल लेके आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ से साउथ, और थंब विल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ए बी किधर जा रहा है अंदर की तरफ, ए बी किधर जा रहा है अंदर की तरफ, ये कॉइल थी तो ये ए बी मान लिया, ए बी किधर गया अंदर की तरफ, ऐसे रोटेट मान लिया ना हमने ए बी गया अंदर की तरफ, तो ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कौन सी आ गई डाउनवर्ड, तो करंट क्या आ गया बी से ए की तरफ, समझ आया। सीढ़ी पर चलते हैं, सीढ़ी पर चलते हैं तो सीढ़ी ये है, ये वाला जो एंड है ये किधर आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड फिर से ऐसे, लेकिन जो कॉइल है वो इधर अंदर की तरफ ना आके किधर आ रही है आउटवर्ड, जो थंब था वो क्या था मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता था ना, तो इसको करो आउटवर्ड, ये ऐसे ये क्या आ गया आउटवर्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या आई ये वाली आई, ठीक है कर लेंगे इस तरह से।
अब ये तो आपने वर्किंग का किया है हाफ पार्ट। सेकंड पार्ट में आप इसका फिर से डायग्राम बना के दिखाओगे, क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम ये जो सीडी है, ये मान ले हम सीडी और ये मान ले एबी, तो ये थोड़ी देर बाद ऐसे रोटेट होके ऐसे आ जाएगी, और सीडी तो एबी की जगह पे चली गई, और जहां सीडी है वहां पे कौन पहुंच गया? एबी। तो आप आपको फिर से बताना पड़ेगा इनके अंदर करंट की डायरेक्शन। तो आप इसका दूसरा डायग्राम फिर से बना के दिखाएंगे कैसे। ये हमने नॉर्थ साउथ मैग्नेट बना दी, ये आर्मेचर कॉइल और ये इसके दोनों एंड, फर्स्ट स्प्लिट रिंग में से दोनों पास होंगे लेकिन सेकंड एंड उससे पास नहीं होगा, ये ब्रश और यहां से ये दूसरा स्प्लिट रिंग, यहाँ पे दूसरा कार्बन ब्रश और ये इस तरह से। आप यहाँ पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं आर एल, और ये अपना क्या आ गया गैल्वेनोमीटर आ गया, राइट। इसके नेमिंग आप कर सकते हो, स्प्लिट रिंग वन कार्बन ब्रश वन, स्प्लिट रिंग टू कार्बन ब्रश टू। और अब देखो सीडी ये था, रोटेट होके एबी की जगह पे सीडी आ गया और एबी सीडी की जगह पे एबी पहुंच गया। डी सी, ध्यान रहे जो चीज ऊपर है उसको ऊपर ही लाना इधर भी, जो चीज नीचे उसको नीचे ही लेके आना इधर। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए और ये पहुंच गया बी। अब फिर से सीडी में आपको बताना कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रहेगी। सीडी के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, सीडी के अंदर वैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, भूल से भी आप लेफ्ट हैंड को नहीं लेंगे, राइट हैंड रूल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। अब ये रोटेट कैसे हुई है, अगेन यहाँ पे आप जब टरबाइन फैन दिखाओगे इसकी रोटेशन की डायरेक्शन यही है। तो अब सीडी के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, अगर ये ऐसे रोटेट होगी, इस तरह से रोटेट होगी तो ये वाला जो सीडी का एंड है ये किधर जाएगा, इनवर्ड। तो हम इस पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, ये अपनी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या हो गया मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर जा रहा है सीडी, इनवर्ड। अगर ये ऐसे रोटेट होगी तो इनवर्ड गया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गई डाउनवर्ड सी से डी की तरफ। एबी पे जाओगे, एबी पे जाओगे तो एबी किधर आएगा बाहर की तरफ, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कंडक्टर, ये इंड्यूस करंट विल बी दिस, ये इस तरह से एंड सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यूअसली अपना करंट क्या होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा, यहां से करंट की रिफ्लेक्शन आ जाएगी गैल्वेनोमीटर से। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे, ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आप इसका प्रिंसिपल बताओगे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस देन करंट विल इंड्यूस इन दैट कॉइल। फिर आप इसके कंस्ट्रक्शन के सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाओगे, डायग्राम आपने दो बना के दिखाने हैं ताकि हर एक में अलग अलग इसकी डायरेक्शन बता सको, कि उसी सीडी में एक बार तो डी से सी है लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या आ जाता है सी से डी आ जाती है करंट की डायरेक्शन। उसके बाद आप इसकी वर्किंग बताओगे और फिर लास्ट में आप बता सकते हो कि इसका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जहां भी कन्वर्ट करते हैं, जैसे डैम वगैरह पे पावर प्लांट वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे एक पॉइंट और बता सकते हो इसका, कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो आप कैसे बढ़ा सकते हो। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर सकते हो तो और भी ज्यादा हाई इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, जो अपनी आर्मेचर थी वो क्या थी, सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने वाउंड की थी ना यहाँ पे, अगर ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स आप यहाँ पे बढ़ा दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास और भी ज्यादा इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर, नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।